हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है इसमें हम इग्नू के एमएजी 2 यानी ब्रिटिश ड्रामा का जो एक ड्रामा है जो जॉन ऑस्पर ने लिखा है लुक बैक इन एंगर, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसकी समरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी ताकि आप जब बाद में ड्रामा पढ़े तो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये जो ड्रामा है ये टोटल 3 एक्ट का है। पहले एक्ट में सिर्फ एक ही सीन है और बाकी जो 2 बचे हुए एक्ट हैं, एक्ट 2 एंड 3, इसमें 2-2 सीन हैं दोनों के। इस प्ले की एक अच्छी बात यह है कि इसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं हैं, आपको सिर्फ टोटल 5 कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ क्योंकि सिर्फ 5 ही कैरेक्टर है तो इतना तो आप ध्यान में रख ही लेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जिमी पोर्टर और उनका एक दोस्त है क्लिफ लुइस। ये दोनों साथ में एक ही घर में रहते हैं, ये लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, साथ में इनका बिजनेस भी है, बहुत लाइक साथ में रहते हैं, सिमिलर बैकग्राउंड से आते हैं। लाइक इन लोग दोनों की जो फैमिली है बहुत ज़्यादा रिच बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, एक इन्होंने गरीबी देखी है, एक सेम सिमिलर टाइप की फैमिली से आते हैं। वहीं जो जिमी पोर्टर की वाइफ है एलिसन पोर्टर, ये हमारी तीसरी कैरेक्टर है। ये तीनों साथ में एक ही घर में रहते हैं। तो जिमी और एलिसन हस्बैंड वाइफ है और क्लिफ जो है वो जिमी का दोस्त है। अब अगर इनके रिलेशनशिप की बात की जाए तो जो एलिसन है ये एक अमीर घर से आती है और उसने कहीं ना कहीं जिमी से शादी की इसलिए क्योंकि उसके घर वाले उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि वो होता है ना प्यार होता है तो अगर कोई मना करता है तो उसे ज़्यादा रहता है कि हाँ मुझे शादी करनी है इससे। तो इस तरीके से इनकी शादी हो जाती है और अभी लोग साथ में रह रहे हैं। अब बात ये होती है कि हमको जो है इसके फर्स्ट एक्ट 1 में जो है हमको सब देखने के लिए मिलेगा कि इनकी शादी कैसे हुई। तो वो जब हिस्ट्री की बात करते हैं लाइक कैसे हुआ, कैसे ये लोग मिले, तो हमें पता चलता है कि जो एलिसन है और जिमी है ये लोग किसी पार्टी में मिले थे और वहाँ जो है एलिसन ने जिमी से पहली बार बात की थी। और क्योंकि वो उससे बहुत अलग है, क्योंकि वो एक अलग बैकग्राउंड से आता है, उसका फैमिली बहुत अलग है, उसकी सोच और विचार बहुत अलग हैं। और वही जो एलिसन है ये एक बहुत ऑलमोस्ट लाइक हाई क्लास फैमिली से आती है, इसने कभी कोई दुख दर्द नहीं देखे अपने जीवन में। सो लाइक कहीं ना कहीं उनको एक अट्रैक्शन होता है और जिमी को लगता है कि शी इज़ वेरी फ्री, उसको ऐसा लगता है कि इसको किसी लाइक किसी दुनिया की टेंशन नहीं, इसीलिए उसको वो अच्छी लगने लगती है और इसको भी उससे अट्रैक्शन होता है। और तब ये लोग सिर्फ 20 साल के थे, एलिसन 21 साल की होगी। तो वो अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराती है जिमी को, उसके पेरेंट्स को जिमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है बिकॉज ऑफ कोर्स एज अ पेरेंट दे वॉन्ट कि उनकी बेटी किसी स्टेबल इंसान से शादी करे, एंड ऑल्सो उनको दिख रहा होता है कि ये लोग सेम नहीं है जो भी। तो उसकी जो मम्मी है वो बहुत अगेंस्ट में जाती है इनके और बहुत उसको बुरा भला बोलती हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कि वो उस जिमी के ऊपर स्पाइस लगवा देती है क्योंकि इनके पास पैसे होते हैं ना बहुत, तो वो डिटेक्टिव लगवा देते हैं कि क्या करता है कैसे करता है पता करो सब कुछ। इससे जो जिमी को है और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो जिमी को जो है एलिसन के पेरेंट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो उनसे बिल्कुल बात नहीं करता है। और एलिसन अपने घर वालों को अगर चिट्ठियाँ भी लिखती है तो उसे लगता है कि ये गलत कर रही है क्योंकि इसके घर वालों ने मेरे बारे में मुझसे इतना बुरा बिहेव किया, तो इसको जो है उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। और जिमी को ओवरऑल भी अपनी लाइफ में बहुत गुस्सा है जो कि हमें लाइक इसी एक्ट में देखने के लिए आगे मिलेगा, जब वो डिस्क्राइब करता है कि जब वो छोटा था 10 साल का था तो उसके पापा को कुछ बीमारी हो गई थी जिससे उसको पता था कि उसके पापा जो है ज़्यादा वक्त के लिए ज़िंदा नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी जो है लोग उन्हें लाइक वो नॉर्मल काम पे जाया करते थे। उसकी जो मम्मी है जिमी की मम्मी वो अपने पति का ध्यान रखा करती थी, यानी इसके पापा का ध्यान रखा करती थी, बट इट वॉज़ मोर ऑफ एन ऑब्लिगेशन, उन्हें सच में उनकी केयर नहीं थी, उनकी चिंता नहीं थी, वो बस करना पड़ता था, करना है इसीलिए वो कर रही थी। तो उसने बोला कि सिर्फ मैं ही था एक जिसने किसी को मरते हुए देखा है, मैं हमेशा उनके साथ रहता था, उनकी बातें सुनता था, कुछ चीज़ें तो मुझे समझ में भी नहीं आती थी क्योंकि मैं इतना छोटा था, बट फिर भी मैं उनकी बातें सुनता था। तो उसका ये मानना था कि जब तक तुम किसी को मरते हुए ना देख लो अपने सामने अपनी आंखों के आगे, तो उसे लगता था कि एलिसन जो है बिकॉज़ ये इसने कभी किसी को मरते हुए देखा, इसने कभी जीवन में असली दुख दर्द नहीं देखा है, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो वो कभी समझ नहीं पाएगी कि असल में होता क्या है, ये दुनिया कैसी है, ये सब कैसा, उसको कभी समझ में नहीं आएगा। तो इनके रिलेशनशिप डायनामिक्स की अगर बात की जाए तो जो जिमी है वो हमेशा एलिसन को नीचा दिखाता है, वो बेचारी हमेशा घर के काम वाम करती रहती है। जब सीन की शुरुआत भी होती है तो हम देखते हैं कि एलिसन जो है वो कपड़े प्रेस कर रही है और कुछ ना कुछ वो काम कर रही है, लाइक फुल टाइम वो कपड़े प्रेस कर रही है, कपड़े जमा रही है, खाना बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। और वहीं जो जिमी है वो बैठ के पेपर पढ़ता रहता है, उसे सिर्फ पेपर पढ़ना बहुत पसंद है और उसे दूसरों को नीचा दिखाना भी बहुत पसंद है क्योंकि उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है। तो वो एलिसन को कुछ ना कुछ ताने देता रहता है, कभी उसके घर वालों को कुछ बोलेगा, और उसका जो दोस्त है क्लिफ वो उसे भी बहुत ऊटपटांग हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है कि तुझे तो अकल नहीं है, तुझे समझ में क्या आएगा, अपना पेपर खुद जाके खरीद, यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, वो हमेशा उल्टा सीधा बोलता रहता है। बट सबसे ज़्यादा बुरी इंसल्ट वो हमेशा एलिसन की करता है, इंक्लूडिंग उसके पेरेंट्स, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, कुछ नहीं करता है। तो एलिसन जो है
उसको लाइक बचाने के लिए हमेशा क्लिफ रहता है, जो क्लिफ जिमी का दोस्त है वो हमेशा एलिसन का साइड लेके उसको बचाता है या फिर जिमी को थोड़ा सा दूर करता है, या उसको लगता है कि जिमी जब कोई भी हद पार कर रहा है तो क्लिफ उसको हमेशा रोकने की कोशिश करता है। बट एज़ वी नो कि जिमी में इतना गुस्सा है, उसको अच्छा लगता है जब वो एलिसन को पोक करता है, वो चिढ़ जाती है, झगड़ा होता है, उसे बहुत मज़ा आता है उसमें। तो अब यहाँ पे फर्स्ट सीन में जो है कि वो कपड़े प्रेस कर रही है, एज़ यूजुअल जो जिमी है उसको कुछ ना कुछ ताने दे रहा है, सुना रहा है, और फिर अचानक से इसका जिमी और क्लिफ का थोड़ा झगड़ा होता है। जिमी जानबूझ के क्लिफ को एलिसन की तरफ धक्का देता है, जिससे क्या होता है कि वो कपड़े प्रेस कर रही है तो जो प्रेस है उसके हाथ पे लग जाती है और उसका हाथ जल जाता है। वो जानबूझ कैसा करता है ताकि एलिसन को पेन हो। जो क्लिफ है वो जिमी को भेज देता है, वो बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, दूसरे कमरे में उसको भेज देता है। और जब वो उसको हेल्प करता है पट्टी बांधने में, तो एलिसन उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। तब जो क्लिफ है वो भी थोड़ा शॉक में हो जाता है, क्योंकि एलिसन ने अभी तक जिमी को भी नहीं बताया, बिकॉज उसे नहीं लगता है कि जिमी इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेगा। उसे लगता है कि जिमी इसमें भी कुछ ना कुछ नुक्स निकालेगा, कुछ ना कुछ करेगा, और वो खुश तो नहीं होगा इस चीज़ को लेके भी। अभी इन लोग का झगड़ा चल ही रहा होता है कि अचानक से फ़ोन की घंटी बजती है। तो फ़ोन की घंटी जब बजती है तो जो एलिसन है वो फ़ोन उठाती है, तो उसकी फ्रेंड का फ़ोन आया। ये हमारी नेक्स्ट कैरेक्टर है, जो कि है हेलेना, हेलेना चार्ल्स। तो हेलेना जो है ये एलिसन की दोस्त है, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही बैकग्राउंड से आती है जिस बैकग्राउंड से एलिसन आती है, यानी ये लोग अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। इसने भी अपनी लाइफ में ऐसे बहुत कुछ दुख दर्द नहीं देखे हैं जैसे कि जिमी ने अपनी लाइफ में देखे, और इसलिए जिमी को इतना गुस्सा है। तो हेलेना बोलती है कि वो कुछ काम से आ रही है उनकी सिटी में, और उसके पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है, तो वो इसके एलिसन के यहाँ पर ही रहेगी। तो एलिसन बोलती है तो ओके आ जाओ, तो वो भी क्या मना तो नहीं करेगी ना, उसकी दोस्त है, सो शी अग्रीज। तो जब वो आके ये चीज़ जिमी को बताती है तो जिमी बहुत चिढ़ जाता है, और वो बोलता है कि क्या ज़रूरत है उसको बुलाने की, और वो लड़की भी लाइक ऐसी है, उसको बिल्कुल जमती नहीं है वो। लेकिन अब ये हाँ बोल चुकी है तो उसको गुस्सा बहुत आ रहा था, तो वो उसको बहुत बुरा भला बोलता है, बोलता है कि भगवान करे कि तुम एक बच्चा हो और वो मर जाए, और जब वो मर जाएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि दुख क्या होता है, अभी तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तुम कुछ जानती नहीं हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है, ऐसी वो सब चीज़ें बोलता है। अब क्योंकि एलिसन ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो उसे ये चीज़ें ज़्यादा बुरी लगती है, क्योंकि वो एक्चुअली उसका बेबी एक्सपेक्ट कर रही है। अब जो हमारा एक्ट टू है, इसके साथ जो सीन वन ख़त्म हो जाता है, एक्ट टू यहाँ शुरू होता है। तो एक्ट टू में होता है कि जो हेलेना है वो इनके घर पर आ चुकी है, और इनके घर का माहौल इतना कुछ खास अच्छा है नहीं, क्योंकि वैसे ही झगड़ा वगड़ा, जो जिमी है वो बहुत ऊटपटांग सा बोलता है। तो इधर पे क्या है कि जब जिमी भी घर पे नहीं है और क्लिफ भी अंदर के कुछ काम कर रहा है, तब हेलेना और एलिसन साथ में खाना बनाते हुए बात कर रहे हैं। तो एलिसन बोलती है कि इट गुड कि तुम यहाँ पे हो, तो मुझे थोड़ा एक फ़ीमेल कंपनी मिल रही है, यू नो, हाथ बटाने के लिए कोई है। तो हेलेना बोलती भी है कि एक आदमी का तो ठीक है, तुम तो दो दो आदमियों का ध्यान रख रहे हो, हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस। तो वो कहती है कि नहीं, क्लिफ तो एक्चुअली हेल्प ही करता है मुझे, उसका काम कम करना पड़ता है, इट्स जिमी जो कि यू नो कुछ करता नहीं है, तो उसका मुझे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ये वो। फिर वो बातों बातों में बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, वो हेलेना को भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, और वो इतनी खुश नहीं है अपनी लाइफ से। और फिर बातों बातों में यहाँ पे वो बताती है कि जब उन्हें वहाँ पे एक बियर और एक स्क्विरल मिलते हैं, लाइक उस रूम में रखे रहते हैं ऐसे सॉफ्ट टॉयज, तो हेलेना पूछती है कि क्या है, तो वो बताती है कि वो और जिमी ये बियर और स्क्विरल का गेम खेला करते हैं, जहाँ पे कि उन्हें फिर दुनिया को वो भूल जाते हैं, उन्हें कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, वो आपस में बस लाइक जो जिमी है वो बियर होने का नाटक करता है, और जो एलिसन है वो स्क्विरल बन जाती है, और फिर ये लोग ऐसे, उनका ये एक गेम है। तो समहाउ जो रियलिटी है उससे एक एस्केप उन्हें मिल जाता है, यहाँ पे वो अपना प्यार एक दूसरे को दिखा सकते हैं। तो ये उसके बारे में उसको बताती है। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग जब डिनर टेबल पे बैठते हैं, तो जिमी जो है अगेन वो बहुत इंसल्ट करता है हेलेना की और एलिसन के पापा की, और बोलता है कि उन्हें, क्योंकि इसके पापा जो है वो मिलिट्री में काम करते थे पहले, और अभी वो वापस आ चुके हैं इंडिया से, इंडिया में उस वक्त क्योंकि ब्रिटिश रूल एंड ऑल था, राइट, तो वो वहाँ पे काम करते थे और फिर अब वो इंडिया वापस आ चुके हैं। तो वो उनकी इंसल्ट करके कहता है कि उन्हें समझ में क्या आता है, उन्हें तो यही लगता है ना कि ब्रिटेन अब हर जगह राज क्यों नहीं कर रहा, उन्हें क्या पता, ये वो ऐसी सब चीज़ें वो बोलता है, बहुत इंसल्ट करता है। तो जो हेलेना उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है, तो वो जो है एलिसन के पिताजी को चिट्ठी लिखती है, जिसमें वो कहती है कि आप कल सुबह इधर आ जाइए एलिसन को लेने के लिए। तो अब ये जो चिट्ठी है ये उसके पापा को पहुंच जाती है। अब इधर जो हेलेना है ये एलिसन को समझाती है कि तुम्हें बच्चा भी होने वाला है, अब तुम्हें सिर्फ अपनी नहीं बच्चे की ज़िंदगी के बारे में भी सोचना है, यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या करना है क्या नहीं, यू नो तुम्हें सोचना पड़ेगा ये वो। तो मैंने तुम्हारे पापा को बुला लिया है, तुम उनसे कल मिल लेना। तो जो एलिसन है वो मान जाती, क्योंकि अब उसको भी लग रहा है कि तब से ये इंसान मुझे परेशानी कर रहा है, वो खुश नहीं है ना उसके साथ में, तो वो मान जाती है, वो कहती ठीक है कि मैं कल सुबह चली जाऊँगी। उतने में क्या होता है, इनका फ़ोन वापस बजता है, तो पता चलता है कि जो जिमी है इसका एक दोस्त था टेड, जो कि ये लोग काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे, और
लाइक जब इन लोगों की शादी हुई थी एलिसन और जिमी की, तब क्योंकि इनके पास रहने के लिए कहीं जगह नहीं थी, तो वो लोग काफ़ी वक्त जो है यूज़ जो है उसके घर पे रहे हुए थे, और उसकी मम्मी को भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो एलिसन है वो कहती है कि जो यू है वो जिमी से भी गया गुजरा इंसान है, मतलब तुम्हें अगर लग रहा है कि जिमी में बहुत गुस्सा है और वो इस तरीके का है तो तुम्हें यू से मिलना चाहिए, वो और भी ज़्यादा बेकार है। मतलब बोलते हैं बहुत अक्खड़, हम जिसे बोलते हैं, कुछ भी बोल देगा, कुछ भी करेगा, उसको दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर वो हेलेना को बताती है कि एक वक्त तो यहाँ तक था कि इन लोगों के पास रहने को जगह नहीं थी, खाने को पैसे नहीं थे, तो जो यू है और जिमी ये लोग जाके एलिसन के जितने भी रिलेटिव रिश्तेदार जिनके उनके वहाँ जाके एलिसन का नाम लेके उनके वहाँ जाके खाना खाते थे, उनके दारू पीते थे, उनका सिगरेट फूंकते थे, और वो बेचारे शर्म के मारे, क्योंकि रिलेटिव है ना एट द एंड ऑफ द डे, तो वो होता है कर्टसी है इसकी सबसे, वो कुछ बोलते भी नहीं थे। ऐसे कर करके इन लोगों ने ऑलमोस्ट एक साल गुजारा है। वो बोले कभी कभी तो मुझे इतनी शर्म आ जाती थी बट मैं कुछ कर नहीं सकती थी, तो वो बेचारी लाइक उसके साथ भुगत रही थी। फिर फाइनली जो इसी की मम्मी है, इनकी एक्चुअली एक स्वीट्स की दुकान है जिमी और क्लिफ की, तो वो यू की ही मम्मी थी जिन्होंने इनको जो है वो स्वीट्स की दुकान खोलने के लिए कहा था। तो उसकी जो मम्मी है यू की, वो एलिसन को पसंद नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि जो यू है उसने कहा था जिमी को कि चलो हम लोग किसी और कंट्री जाते हैं, मेरा ब्रिटेन में हो गया, मुझे नहीं रहना, उसको चाइना या कहीं जाना था। तो जो जिमी है उसने बोला कि नहीं, मैं अपनी कंट्री छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो उसको कहीं ना कहीं लगता था कि एलिसन ने उसको कहा है, और इसीलिए जो है यू जो है वो अकेला चला जाता है चाइना। तो इसकी मम्मी को बहुत गुस्सा रहता है कि एलिसन की वजह से ऐसा हुआ, अगर एलिसन बीच में नहीं आती तो ये दोनों दोस्त जो हैं साथ में वहाँ चले जाते। तो अब ये जो खबर आती है कि जो यू की मम्मी है वो बीमार है, ऑलमोस्ट डेथ बेड पे है, और उनके साथ में कोई नहीं है। तो अब इसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, इसके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसको जाना पड़ेगा उनको देखने के लिए, क्योंकि जो यू है वो तो चाइना में है। तो अब जो है जिमी, इसको जाना पड़ेगा उसको देखने, उनको देखने के लिए। तो जिमी जाने की तैयारी करता है, तो वो एलिसन को बोलता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन एलिसन जो है वो अपना मन बना चुकी है कि उसे अब वहाँ और नहीं रहना है। वो बोलती है कि तुम जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब इसके पापा आते हैं तो वो अपने पापा को सब कुछ बताती है और बोलती है कि मैं आपके साथ चलूँगी। तो पापा बोलते हैं आर यू श्योर तुम्हें चलना है, तो एलिसन बोलती है कि हाँ मुझे आपके साथ में चलना है। और फिर वो अपना सामान थोड़ा बहुत पैक करके वहाँ से जाने लगती है। तो वो बोल, क्योंकि क्लिफ अभी तक वापस नहीं आया हुआ है, क्योंकि उसे दुकान अकेले ही पैक करनी पड़ेगी क्योंकि जिमी वहाँ पे नहीं है। तो एलिसन बोलती है कि चलो अपन अपना सामान ट्रंक वंक में रखते हैं और चलना शुरू करते हैं, निकलते हैं। तो जो हेलेना है वो बोलती है कि मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसकी वजह से मैं आज नहीं निकल पाऊंगी, तो मैं आज यहीं रुकूंगी बट तुम चले जाओ। तो इट्स अ बिट ऑकवर्ड राइट, कि जिसके यहाँ पे वो गेस्ट बन के आई है वो जो होस्ट है वो ही नहीं रहेगा, लेकिन उसे वहाँ पे रुकना है। तो एलिसन जो वो कुछ नहीं बोलती, वो अपने पापा के साथ चली जाती है। अब जो हेलेना है वो क्लिफ को बोलती है कि चलो हम चाय पीते हैं कुछ, तो क्लिफ बोलता है कि नहीं मेरा हो गया, मैं बाहर जा रहा हूँ। और जब जिमी है वो आएगा तो तुम्हें उसे बताना कि हेलेना यहाँ से, कि एलिसन यहाँ से चली गई है, वो तुम्हारे लाइक वो इस घर में नहीं है एनीमोर। तो हेलेना बोलती है ठीक है मैं बता दूंगी। अब जिमी जब वापस आता है तो हेलेना उसको हाथ में चिट्ठी दे देती है जो कि एलिसन लिख के गई थी। तो चिट्ठी में ये लिखा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ थोड़ा वक्त सोचने की ज़रूरत है, आई नीड टू यू नो गेट सम टाइम ऑन माई ओन, ये सब। तो जिमी को वो चिट्ठी पढ़ के और गुस्सा आता है, और वो ऑलरेडी बहुत चिढ़ा हुआ होता है, क्योंकि जब वो आ रहा होता है तो एलिसन के ही पापा की गाड़ी थी जिससे ऑलमोस्ट उसकी टक्कर होने वाली थी। तो वो बोलता है कि आयरनी देखो कि जिस गाड़ी से मैं टकरा था वो मेरे ससुर चला रहे थे और मेरी बीवी उसमें पैसेंजर थी। वो काफ़ी बहुत गुस्से में रहता है वो। तो उसका और हेलेना का बहुत झगड़ा होता है, झगड़े झगड़े में जो है हेलेना उसको किस कर लेती है। इसके साथ ही जो है हमारा ये एक्ट जो है एक्ट टू ख़त्म हो जाता है। फिर एक्ट थ्री जो है वो खुलता है, जहाँ पे कि आपको याद है एक्ट वन में एलिसन जो है वो कपड़े प्रेस कर रही थी, यहाँ पे जो है एक्ट थ्री में हेलेना जो है वो कपड़े प्रेस कर रही है। तो उस बात को 2 महीने हो चुके हैं, हेलेना वहाँ पे रह रही है, और वो जितना जिमी से चिढ़ती थी उसके बारे में जितनी बुराइयाँ करती थी, उसकी जगह अब वो उनके घर में रह के कपड़े प्रेस कर रही है, उसका ध्यान रख रही है, खाना बना रही है, और क्लिफ भी उसी घर में रह रहा है। फिर जो क्लिफ है वो जिमी को बोलता है कि मैं अपना अपना खुद का घर लेके यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे खुद का घर देखना चाहिए। तो वो तो जिमी जो है वो बोलता है कि यू नो मतलब आई लव यू मैन एंड ऑल, लेकिन अगर तुझे चाहिए तो तू चले जा। तो तूने वो बोलता है कि तूने हेलेना को बताया क्या? तो वो बोलता है हाँ हेलेना से मेरी कल ही बात हो गई थी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऑल्सो हेलेना के लिए भी आसान रहेगा कि वो एक ही इंसान का ध्यान रखेगी इंस्टेड ऑफ 2 लोगों का ध्यान रखने का। तो जिमी बोलता है ठीक है अगर तुझे यही सही लगता है तो यही कर। और वो लोग ऐसे ही से बातें बातें कर रहे होते हैं, उतने में दरवाजे की घंटी बजती है, दरवाज़ा खोलते हैं तो एलिसन वापस आती है, यानी जिमी की असली वाइफ। तो जब वो वापस आती है तो जिमी कुछ नहीं बोलता उसको, वो सिर्फ हेलेना को बुलाता है और बोलता है कि तुम्हारी दोस्त तुमसे मिलने आई है। अब हेलेना और एलिसन साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं,
तो एलिसन को अगर आप देखोगे उस वक्त में तो वो बहुत पेल है, बहुत बीमार है। उसको देख के समझ में आ रहा है कि वो बहुत परेशान, दुखी, त्रस्त आत्मा जिसे हम कहते हैं वैसी वो दिखाई दे रही है। तो एलिसन उसको बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मैं इधर आना भी नहीं चाहती थी जब मैं छोड़ के चली गई थी, तो लेकिन इस बार भी मैं हर बार कोशिश करती थी और फिर मैं वापस रुक जाती थी। इस बार भी मैं ऑलमोस्ट रुक ही गई थी, मैं नहीं आना चाहती थी, मुझे तुम्हें इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बट मैं इधर आ गई, आई एम सो सॉरी ये वो। उधर हेलेना जो है वो बोलती कि नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मतलब ये सब बस ऐसे ही हुआ। वो दोनों एक दूसरे को सॉरी सॉरी बोल रहे थे और सब कुछ, और हेलेना बोलती है कि मैं एक्चुअल में यहाँ से जाने वाली हूँ, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती अब। तो हेलेना वहाँ से जाने लगती है, मतलब वो पैक वैक करके सामान कर पैक करके वो निकलने लगती है, निकल जाती है। तब जो एलिसन है वो जिमी के पास जाती है और जिमी को बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी और वो जो बच्चा है वो उसका मर चुका है अब। तो वो बोलती कि अब मुझे असल में समझ में आया कि दुख दर्द क्या होता है, मुझे सच में समझ में आया मेरा जो बच्चा था। वो कहीं ना कहीं वो गिल्टी फील कर रही है कि वो बच्चा जो उसके अंदर था, उसे लगा था कि वो उसे हमेशा सेफ रखेगी, तो वो बच्चा भी मर गया, तो उसे गिल्ट हो रहा है कि मेरी वजह से वो बच्चा मर गया है या मैं उसका ध्यान नहीं रख पाई, इस तरीके का कुछ। तो वो जिमी के पैरों पर गिर जाती है, उसे रो रो के माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, अब जैसे तुम चाहते थे कि मेरे साथ हो वैसा मेरे साथ हुआ और अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। और इसके साथ ही जो है वो प्ले ख़त्म हो जाता है। तो दिस वॉज द बेसिक स्टोरी ऑफ द प्ले। मुझे थोड़ा अजीब लगा ये, क्योंकि जब मैं रीड करी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो इसमें एलिसन को क्यों ऐसा दिखाया गया है कि वो वापस आएगी और एलिसन को जिमी एक्सेप्ट करता है बट वो माफ़ी मांग रही है, मुझे काफ़ी अजीब लगा। बट जब मैं इसके बारे में और पढ़ रही थी तो मुझे समझ में आया कि जो जिमी है उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख दर्द देखे हैं, तो उसका कैरेक्टर ही वैसा है। प्लस उसे कहीं ना कहीं ये फील होता है कि वो एलिसन के इक्वल नहीं है, क्योंकि एलिसन एक बड़े घर से अच्छी जगह से आती है और वहीं वो जो है बहुत नॉर्मल सोसाइटी से आता है। तो वो चाहता है कि एलिसन भी वो सब दुख दर्द देखे, सब कुछ एक्सपीरियंस करे, ताकि वो उसके लेवल तक गिर जाए, क्योंकि उसे पता है कि वो कभी भी एलिसन के लेवल तक उठ नहीं पाएगा। सो ही वॉन्ट्स कि एलिसन उसके लेवल पर गिर जाए या वो दोनों इक्वल हो जाएँ, तभी जो है उनका प्यार सही आगे बढ़ पाएगा, उनकी शादी चल पाएगी। तो यही थी लुक बैक इन एंगर की स्टोरी। आई होप आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। इफ़ यू डिड एन्जॉय प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और प्ले जो है वो एक्सप्लेन करूँ।